पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत का आज की जो विषय वस्तु है जिस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो मुख्य रूप से पढ़ने की संस्कृति और पुस्तकालय के ऊपर आज की चर्चा को हम लोग रखेंगे इस समय के अंदर अंदर और थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में पढ़ने की जो संस्कृति है उसको हम लोग किस रूप में महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे स्कूली व्यवस्था में कॉलेज की व्यवस्था में जो भी हमारी शिक्षण व्यवस्था है उसमें पुस्तकालय को हम लोग कहाँ पर देख पा रहे हैं इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत को रखेंगे और इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि अमूमन जो हमारा अपना जो पूरा हमारा अपना एक एजुकेशन सिस्टम का जो दायरा है उस दायरे में अगर हम देखते हैं और विभिन्न तरीके के जो शिक्षा समितियां बनी हुई हैं या शिक्षा आयोग जो हुए हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर अलग अलग तरीके की चीज़ों का रिकमेंडेशन किया हुआ है वहां पे भी आप देखेंगे कि पुस्तकालय को लेकर काफ़ी सकारात्मक रुख वहाँ पर हमें देखने को मिलता है और इसके अलावा पुस्तकालय का जो पूरा उपयोग है उसको शिक्षण प्रक्रिया में निश्चित रूप से एक अभिन्न अंग के रूप में इस तरीके की समितियों में देखा गया है और इसके इतर अगर हम देखते हैं कि हमारे स्कूली व्यवस्था में या हमारी शिक्षण व्यवस्था में पुस्तकालय की स्थिति को अगर देखा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में और इस दौर में जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में हमें लगता है कि शायद विद्यालय में पुस्तकालय की आवश्यकता है इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं बात ये इस बात को केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ इसके पीछे के कुछ तथ्य हैं कुछ कारण हैं उसके पीछे के। आप अमूमन देखेंगे कि हमारी जो पूरा एजुकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में बहुत कम हमें ये स्कोप देखने को मिलता है या मिल पाता है जहाँ पे पाठ्य पुस्तकों के इतर कुछ पढ़ने की आज़ादी हो पाठ्य पुस्तकों के इतर कुछ पढ़ी हुई चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करने का एक माहौल हो जहाँ पे पाठ्य पुस्तकों के इतर भी जो पढ़ी जाने वाली वस्तुएं उनको भी तवज्जो दिया जा रहा हो उनका भी कोई इस तरीके का लेकर कोई सकारात्मक माहौल हो तो शायद अगर हम देखते हैं अपनी इस एजुकेशन के पूरे सिस्टम और सिनेरियो में तो शायद हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ छूटती हुई हमें नज़र आती है कि अगर किसी बच्चे ने चाहे वो शुरुआती दौर में प्राथमिक स्तर का बच्चा हो कक्षा या फिर अपर स्टैंडर्ड में भी हम देखते हैं जहाँ पे 10वीं और 12वीं की बात की जाए तो वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है और ये महसूस होता है कि जिस बच्चे ने अमुक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हुए हैं उस बच्चे को ये माना जाता है कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत ही होनहार है या बहुत ही व्यवस्थित रूप से उसने पढ़ाई की। लेकिन मान लीजिए कि उसी व्यवस्था में उसी कक्ष का बच्चा कोई ऐसा भी है जिसने विभिन्न तरीके के साहित्यों को पढ़ा हुआ है विभिन्न तरीके की किताबों को पढ़ा हुआ है और परीक्षा में उसके अंक उस अनुरूप नहीं आते जितना किसी अन्य विद्यार्थी के आते हैं जो केवल पढ़ी हुई चीज़ों को एक व्यवस्थात्मक रूप में रटने का प्रयास करता है लगातार और एक एक सीधा सा उसका आयाम होता है कि परीक्षा को बेहतर अंकों के साथ पास कर जाना। लेकिन किसी विषयगत अगर पहलू को देखा जाए या जो विषय की पूरी धारणा है उस पर उस बच्चे की क्या समझ बनी उस पर उस बच्चे की क्या पकड़ है और अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने कितनी चीज़ों को और भी संदर्भों का उपयोग किया हुआ है तो शायद वो बहुत ज़्यादा मायने उस रूप में देखने को अपने को नहीं मिल पाता है वहाँ पर। तो एक एक तो ये परिस्थिति है कि पुस्तकालय का जो पूरा हमारे जो सोसाइटी में जो कल्चर है वो कल्चर कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल ये महसूस होता है कि शायद वो कल्चर छूटता हुआ जा रहा है और अगर भारत के ऐतिहासिक स्वरूप को देखा जाए तो उसमें आपको ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से ये देखने को मिलता है हमारे इतिहास के विभिन्न आयामों में कि भारत में पुस्तकालय का एक बेहतर एक दौर रहा हुआ है जिसमें अगर मैं बात करूँ आपको नालंदा की तक्षशिला की या इस तरीके के अन्य जो विश्वविद्यालय थे और जो वहाँ के पुस्तकालय थे उसमें पढ़ने की संस्कृति का जो पूरा एक 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 पूरा जो एक दौर था वो पूरा वो शायद
आज की व्यवस्था में वो कहीं अपने आप को उस रूप में नहीं रख पा रहा है जैसे जिस जिस तरीके की उसकी आवश्यकता है आज के समय में, या फिर ये कहा जाए कि शायद उस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता को अभी हम उस तरीके विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे पढ़ने की संस्कृति को हम एक तरीके का बच्चे के विकास के रूप में देख सकें, समाज के विकास के रूप में देख सकें, मनुष्य के बौद्धिक स्तर को और बढ़ाने की प्रक्रिया में उसको हम सहयोगात्मक रूप में देख सकें, तो शायद वो चीज़ अपने को थोड़ा सा ये महसूस होती है कि वो उस तरीके नहीं है, उस दौर में नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने मैं अभी जो शिक्षा आयोगों की बात कर रहा था, इसके अलावा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो अपना NCF 2005 है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्कूली व्यवस्था में पुस्तकालय को लेकर बहुत ही बेहतर रूप से उन्होंने उसमें चीज़ों को रखा हुआ है, लेकिन शायद वो वास्तविक अगर देखा जाए वास्तविकता के स्तर पर तो वो धरातल पे उस रूप में कहीं हमें बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं देखने को मिलता जैसे उसकी परिकल्पना की गई है। उसके कारण और चुनौतियां बहुत सारे हो सकते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं कि वो स्थितियां क्यों नहीं उत्पन्न हुई, लेकिन इसके इतर जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है वो ये हमारे सामने निकल कर आती है कि शायद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था पूरी चल रही है उस पूरी शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकालय की आवश्यकता को उस तरीके महसूस नहीं किया जा रहा है, ना ही उस व्यवस्था में शामिल लोगों के द्वारा, ना ही उस व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं समाज के उनके द्वारा उसको महसूस किया जा रहा है। तो एक एक ये प्रक्रिया है कि जो लगता है कि जो पढ़ने की जो संस्कृति का जो एक मामला है वहाँ पे अपने आप को ये चीज़ छूटती हुई दिखाई देती है, और इस प्रक्रिया के पिछड़ने के कारण बहुत सारे अन्य आयाम भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं अमूमन आजकल अगर देखा जाए तो अभिभावकों की तरफ से एक चीज़ ये निकल कर आती है कि बच्चा जो होता है वो अपने पाठ्य पुस्तकों के इतर जो उसको समय मिलता है उसमें ज़्यादातर उसका समय जो व्यतीत होता है वो आधुनिक जो गैजेट्स हैं उनके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उसमें अपना समय व्यतीत करना चाहता है, और अमूमन ये हमारी तरफ से ये दोषारोपण भी हमेशा किया जाता है या होता रहता है कि बच्चा जो होता है वो उसका इंटरेस्ट इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा है, लेकिन अगर उसके पीछे के कारण को हम जरा सा तलाश करने की कोशिश करें तो ये बहुत बेहतर रूप से एक दृश्य हमें हमारे सामने निकल कर आएगा कि शायद उसकी जिम्मेदार हम ही सब हैं जो इस तरीके की स्थितियां जो हमारे सामने अभी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो आ रही हैं लगातार, जिस समस्या को हम बार बार विजुअलाइज भी करते हैं और महसूस भी करते हैं कि ये एक अलग तरीके की एक समस्या खड़ी हो रही है। तो जो पढ़ने की संस्कृति का जो पूरा एक दायरा है अगर उसको देखने का प्रयास करें हम सभी लोग, तो यहाँ पे पाएंगे कि अगर अगर परिवार में या फिर विद्यालय में बच्चे के साथ विभिन्न तरीके के साहित्य को पढ़ने का अवसर अगर दिया जा रहा है तो शुरुआती दौर से ही बच्चा विभिन्न तरीके के विचारों से, विभिन्न तरीके की विधाओं से परिचित होना चालू कर देता है, और उसका जो मानसिक स्तर पर जो विकास और विस्तार होता है उसमें एक निश्चित रूप से एक आपको अलग दायरा देखने को मिल सकता है। जिस बच्चे ने विभिन्न तरीके की कथा कहानियों को पढ़ा हुआ है या जिस पाठक ने इस तरीके के उपन्यासों को और चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे उनकी समझ का जो दायरा होता है वो अपने में एक विस्तृत रूप लिए हुए होता है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ों को हमारे पूरी प्रक्रिया से अगर हम दूर रखते हैं तो वहाँ पर फिर हमारे जो पूरे ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ पर उस चीज़ का हमें प्रभाव भी देखने को मिलता है पूरी प्रक्रिया में। तो इसी रूप में अगर देखा जाए तो पुस्तकालय जो है वो शायद अपना एक जो उसका महत्व जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि पुस्तकालय का जो महत्व है वो इस दायरे में कहीं ना कहीं अपने आप को शायद अब आज के समय की आवश्यकता भी इस तरीके बनती जा रही है कि जहाँ लगता है कि पुस्तकालय को पुनः एक व्यवस्थित रूप से आगे आने की ज़रूरत है, पुनः उसको हमारे शैक्षणिक प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्से के रूप में हमें देखने की भी ज़रूरत है, और अगर हम पुस्तकालय को अपने शिक्षण पूरी प्रक्रिया के साथ अगर जोड़कर देखते हैं तो समाज के अंदर आप देखेंगे शुरुआती दौर से जो बच्चे शामिल हो रहे हैं विद्यालय में या फिर शिक्षण प्रक्रियाओं में जो हमारे साथ आ रहे हैं तो उनके अंदर एक पढ़ने की प्रवृत्ति का एक डेवलपमेंट चालू हो जाता है शुरुआती स्तर पर, भले वो स्थितियां ऐसी हों कि वो परीक्षात्मक चीज़ों में शायद उस रूप में नहीं देखा जा सकता जो आज की व्यवस्था है कि बेहतर अंक, बेहतर परिणाम और बेहतर नंबरों का जो पूरा एक दायरा है
उसी से हम परिकल्पना करते हैं कि छात्र शायद बहुत बेहतर स्थितियों की तरफ भी बढ़ रहा है, जबकि इसके इतर जो मैंने अभी अपनी पहली बातचीत में रखा हुआ है कि कोई बच्चा या कोई पाठक जो होता है अगर वो विभिन्न तरीके के अन्य संदर्भ सामग्रियों को उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है तो उसकी एक बेहतर समझ भी उस पर व्यवस्थित रूप से बढ़ पा रही होती है। तो एक तो ये चीज़ है। आपको आवाज़ आ रही है सभी लोगों को, सभी साथियों को आवाज़ आ रही है? सभी साथियों को आवाज आ पा रही है? एक बार आप कमेंट करें। तो आप ये देखेंगे पुस्तकालय की और जो पढ़ने की संस्कृति की जो आवश्यकता है उसको हम आज के दौर की एक एक वैकल्पिक आयाम को ना देखते हुए शिक्षण का एक एक इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। तो उस लिहाज से भी हमें लगता है कि पुस्तकालय की जो उपयोगिता है वो हम लोग उसको उसी हिसाब से विस्तार पर ले सकते हैं और शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ उसको जोड़कर हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं उस पूरी प्रक्रिया में। तो हमारे जो पूरी सोसाइटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें भी आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँ कि केरल और उधर का जो बेल्ट है उसमें आप देखेंगे पुस्तकालय को लेकर और पुस्तकों को लेकर एक बेहतर संस्कृति का पूरा दौर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ पर आप देखेंगे घर घर लाइब्रेरी का जो एक स्वरूप है, मतलब पढ़ने की जो संस्कृति है वो वहाँ पे हमें प्रत्येक घरों में देखने को मिल सकती है। वहाँ पे एक कल्चर इस तरीके का डेवलप है जहाँ पे पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया जो पूरी है और इस तरीके की विभिन्न तरीके के साहित्यों से रूबरू होने का जो अवसर है वहाँ पे हमें बृहद स्तर पर मिलता है। और उस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों का जो पूरा जो उनके पास जो भी फ्री टाइम जो समय उपलब्ध होता है उस समय का वो उपयोग ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ों को पढ़ने की प्रक्रिया में कर रहे होते हैं। और वो कल्चरल हमें दिखता है कि हम अगर इस बेल्ट में अपने इधर देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा ये लगता है कि हमारा जो खाली समय होता है उसका ज़्यादातर हम लोग उपयोग अगर देखें तो ज़्यादातर सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग और इस तरीके की प्रक्रियाओं में हम अपने समय को जोड़कर आगे ले जा पा रहे होते हैं। जबकि अगर इसी के उलट देखा जाए उस तरफ के बेल्ट में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ केरल और उधर वाले एरिया में, तो वहाँ पे पढ़ने की संस्कृति का एक अलग दायरा हमें देखने को मिलता है। आप जब भी उधर जाएं तो आपको ये आभास इस चीज़ का हो सकता है कि वहाँ खाली समय का सदुपयोग जो है वो लोग किस तरीके अपने पढ़ने की जो उनकी रुचि है उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, विभिन्न तरीके के साहित्यों को, विभिन्न तरीके के विचारों को जानने समझने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अलग कल्चर का एक इफेक्ट देखने को मिलता है। और साथ साथ अगर इसके पीछे के पूरी परिकल्पनाओं को देखा जाए तो शायद इसके लिए हम सभी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है और ये आवश्यकता है कि हम अपने समाज में एक बेहतर पाठक तैयार करने की प्रक्रिया में अपना योगदान करें हम सभी लोग। और उस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो स्थितियां हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम स्वयं के स्तर पर इस कल्चर को बढ़ाने की शुरुआत करें जहाँ पढ़ने की संस्कृति का मामला है। हम अपने बच्चों के साथ इस चीज़ की शुरुआत करें कि जैसे कि हम बच्चों के लिए विभिन्न तरीके के अन्य सामग्रियों की उपलब्धता के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके हम इस पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ सामग्रियों की उपलब्धता के विषय में सोचा जा सकता है जो उसके पाठ्य पुस्तकों से, उसकी पूरी प्रक्रियाओं से, इस तरीके की जो शैक्षणिक प्रक्रियाएँ हैं उससे थोड़ा सा हटके हो और बच्चा विभिन्न तरीके के साहित्य, कहानियाँ, कविताओं से रूबरू हो पा रहा हो। तो ये सोचना पड़ेगा अपने को और इस पर पहल भी हम सभी को करनी पड़ेगी। हमें अपनी तरफ से इसकी ज़रूरत शायद आज के समय में ज़्यादा महसूस होती है जहाँ पे पढ़ने की एक संस्कृति का विकास हम अपने समाज में कर पाएँ इस तरीके के प्रयासों से। इस पूरे प्रयास में आप अपने आसपास के पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं, बेहतर रूप से कर सकते हैं। जहाँ पे आपको आर्थिक रूप से अगर कुछ देखा जाए कुछ इस तरीके की प्रक्रियाओं में तो विभिन्न तरीके के पुस्तकालय हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, जिसमें अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो
दो तीन ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय का बड़ा एक दायरा तैयार किया हुआ है, और उस सार्वजनिक पुस्तकालय में विभिन्न तरीके के पठन की सामग्रियां आपको वहाँ पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध होती हैं। वहाँ पे आपको उसकी सदस्यता को लेना है, और साथ साथ फिर अगर आप पढ़ने की पूरी प्रक्रिया में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा वो जो स्ट्रक्चर है हमारे लिए वो उपलब्ध है। जरूरत है कि हमें उस पढ़ने की ललक को जगाने की आवश्यकता है, पढ़ने की उस संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है, और अपने इस बिजी शेड्यूल में से कुछ समय हमें अपने बौद्धिक खुराक के लिए रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम ये कहते हैं कि शारीरिक रूप से हमें विकास के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है, विभिन्न तरीके के खाद्य सामग्रियां जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से विटामिन मिनरल और इस तरीके की चीज़ें जो प्रोवाइड करें, वो बेहतर खाद्य सामग्रियों की तलाश करते हैं। उसी तरीके से ज़रूरत है हमें अपने बौद्धिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बौद्धिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, शायद विभिन्न तरीके के विचारों को जानने, समझने, पढ़ने की भी ज़रूरत हमें है, और उसके लिए भी हमें अपने उसी समय के दायरे के अंदर रहते हुए कुछ समय निकालने की भी ज़रूरत है, जिसमें हम सभी लोग कम से कम ये प्रयास तो कर पाए कि कुछ पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया हम अपने घर में भी शुरुआत कर सकें। जब आप अपने घर में हैं, आप या मैं जब भी अपने घर में होते हैं, तो अमूमन हमारा समय हम लोग देख सकते हैं कि किस में व्यतीत होता है। खाली समय में हमारे पास हमारे हाथ में हमारा गैजेट होता है, गैजेट का दायरा ये आप देख सकते हैं, कभी गैजेट के रूप में हमारे हाथ में हमारा मोबाइल है, या फिर टेलीविज़न, जिसमें हम अपना टाइम खाली समय का जो समय रहता है हमारे पास उसको हम व्यतीत कर रहे होते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, या इस तरीके के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हमारा घंटों समय जाता है। और आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे जिस तरीके का हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, जब आप उस पूरी प्रक्रिया से दायरे से बाहर निकल के आएँ और अपने आप को विजुअलाइज करें कि आपने इस 1 घंटे के दौरान उस सोशल नेटवर्किंग, सोशल जो आपका गैजेट का जो पूरा दायरा है, उससे आपको क्या, आपके बौद्धिक स्तर पर क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ा, तो शायद आपको बहुत बेहतर जवाब उस पर अपने आप से ही नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम अपने घर में कम से कम पढ़ने पढ़ाने की एक प्रक्रिया का कल्चर शुरू करें। अगर हम स्वयं के स्तर पर घर में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य भी उस कल्चर को एडॉप्ट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे होंगे, और जो पढ़ने की संस्कृति का एक मामला है, वो शायद इस छोटे से प्रयास से हम लोग बेहतर रूप से आगे बढ़ाने की तरफ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये कल्चर हमें स्वयं ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें स्वयं ही अपने समय, जो भी दायरे हैं उसमें से, उस समय को चुराना पड़ेगा जिसमें हम अपने बौद्धिक विकास, बौद्धिक स्तर, बौद्धिक खुराक की जो बात हो रही है, उसके लिए हम कुछ समय दे पाएं, हम कुछ पढ़ पाएं, जो भी हमारे पढ़ने का विषय वस्तु है, जो भी हमारा रुचि का जो क्षेत्र है, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि आपको अगर ये लगता है कि भाई मुझे कविताएं पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप कविताएं पढ़ने के लिए भी अपने पास समय निकालें, स्वयं के स्तर पर कहानियां पढ़ने के लिए निकालें, या विभिन्न तरीके के ज्ञान विज्ञान की जो सामग्रियां हैं उनके ऊपर आपको लगता है कि समय व्यतीत करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम सभी को इस पर प्रयास करने की ज़रूरत है। और पढ़ने की जो संस्कृति और जो पुस्तकालय का पूरा एक दूसरे के साथ जो तालमेल है, उसको फिर से सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक बेहतर रूप से ले आने की ज़रूरत है, और इसकी शुरुआत हमें और आपको करनी है। हमारे विद्यालय में अगर हम शिक्षक साथी हैं, तो वहाँ से भी इसकी शुरुआत बहुत बेहतर रूप से हो सकती है, जहाँ पे हम पुस्तकालय को अपने शिक्षण अधिगम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट माने, वहाँ पे ना कि कोई अलग, एक अलग दायरा हो जिसमें बच्चों को कभी जाने का अवसर शायद मिले या ना मिले। जब हम उसको इस तरीके के कल्चर में ले आते हैं जहाँ पे वो हमारी पूरी प्रक्रिया में बेहतर रूप से जुड़ पाता है, तो निश्चित रूप से इस तरीके के किताबों से, इस तरीके के साहित्यिक सामग्रियों से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और इसको देखा जा सकता है। कुलदीप जी, बिल्कुल आपने बेहतर रूप से इसमें कहा हुआ है कि पुस्तकालय को अपने कक्षा कक्ष का ही एक पार्ट मानकर चलने की जरूरत है, ना कि उसको अलग से रखने की जरूरत है, अलग से कोई दायरे में उसको अपने को जोड़ने की ज़रूरत है। तो शायद ये एक बेहतर पहल हो सकती है कि पुस्तक संस्कृति को, पढ़ने की संस्कृति को हम बच्चे के शुरुआती दौर से ही एक अच्छे पाठक बनाने की प्रक्रिया में उसको शामिल कर सकते हैं। अंशराज सर, बिल्कुल आपने भी एकदम कमेंट में लिखा हुआ है, और
काफी सही बात आपने इसमें भी रखी हुई है कि पढ़ने की संस्कृति हमें बनानी होगी, और इसकी जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि हम शुरुआत अपने घर से कम इसकी कर सकें, जहाँ पे अपने बच्चों को एक बेहतर विकल्प दे सकें उनके समय का सदुपयोग करने के लिए। इसमें दो राय नहीं है कि आज के समय की ज़रूरत है, गैजेट्स आज के समय की रिक्वायरमेंट होती जा रही है, लेकिन शायद उस पर एक उसके दायरे को, एक उसकी लकीर को खींचना जरूरी है कि वो कितना हमारे जीवन में ज़रूरी है, कितने स्तर तक वो हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता हमें है, किस किस रूप में आवश्यकता है, ये भी देखने की बहुत आवश्यकता हम सभी को है उस पूरी प्रक्रिया में। तो बात की आप जन सरोकार मंच के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े, और इसमें आपने अपने विचारों को साझा किया मेरे साथ, और मेरी बातों को आप लोगों ने सुना। इस पर आपके अगर कोई कमेंट, कोई सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से चैट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके साथ जुड़ रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।